अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीसीबी चेयरमैन ज़का अशरफ ने जो कि अच्छे मोमेंट्स की 14 अगस्त पे वीडियो रिलीज़ की थी, उसमें इमरान खान का पिक्चर नहीं दिया गया था, तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ तनकीद होने के बाद अब वो वीडियो पीसीबी चेयरमैन ज़का अशरफ ने डिलीट कर दिया है। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में घंटे को भेजा दें। नाज़रीन, पीसीबी चेयरमैन ज़का अशरफ ने वो वीडियो डिलीट करके दोबारा से वीडियो को अपलोड किया है और उसमें इमरान खान की पिक्चर्स डाले गए हैं। नाज़रीन, पीसीबी चेयरमैन ज़का अशरफ पर बहुत ही कड़ी तनकीद हुई थी वसीम अकरम की जानिब से, बहुत ही बड़े बड़े लेजेंड्स मीडिया की जानिब से, पाकिस्तान की शायकीन की जानिब से और पूरी दुनिया में जो इमरान खान के फैन रहते थे उनकी जानिब से बहुत ही बड़ी तनकीद की गई थी पीसीबी चेयरमैन के ऊपर। और अब पीसीबी चेयरमैन ने भी अपना गलती तस्लीम कर ली और उस वीडियो को डिलीट करके दोबारा से इमरान खान की पिक्चर उसमें डालकर दोबारा से उस वीडियो को अपनी पेज में डाला गया है। नाज़रीन, 14 अगस्त पे अच्छे मोमेंट्स की वीडियो रिलीज़ होने के बाद उसने इमरान खान का पिक्चर्स फैन ने नहीं देखे, जो कि पाकिस्तान के शायकीन इमरान खान के फ़ैन थे उनको इमरान खान का पिक्चर देखने को नहीं मिला। 92 वर्ल्ड कप जो कि इमरान खान की कप्तानी में पाकिस्तान जीता था, तो उसी का ही कप्तान का ही पिक्चर उसमें नहीं मिला, तो इसीलिए पाकिस्तान के फ़ैन और जो इमरान खान के फ़ैन है पाकिस्तानी शायकीन आग बगोला हो गए और पूरी मीडिया पाकिस्तान की देखा जाए तो सब ने कड़ी तनकीद की ज़का अशरफ के ऊपर। और उसके बाद ज़का अशरफ ने अपना गलती तस्लीम करके दोबारा से उस वीडियो को अपलोड किया है और अब सही तरीके से अपलोड किया गया है। तो नाज़रीन, ये थी अपडेट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में घंटे को भी बजा के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।